हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो फिलहाल मैं डबल रेओ का मॉक लगा रहा था एलएससी का, और आज मैंने प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 8 लगाया। स्कोर यहाँ पे देख सकते हैं 51 हुआ है, रैंक 45 परसेंटाइल। आज ठीक बनी है, कभी अच्छी भी परसेंटाइल हो जाती है, कभी बहुत बेकार भी हो जाती है। आज परसेंटाइल ठीक है 89, और सेक्शन सेक्शनल की बात करें तो मार्क्स मेरे बने हैं 31, और रीजनिंग में 31, मैथ्स में 20 और इंग्लिश में 13, ओवरऑल 51। क्वेश्चन अटैम्प्ट की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, और क्वांट में 25 और इंग्लिश में 25। तो मेरा क्लियर स्ट्रेटजी ये रहता है। एक्चुअली क्या है पता है, LSEW का मॉक लगाने बहुत मज़ा आता है, बिकॉज इसमें निगेटिव मार्किंग होता नहीं है। मेरी कोशिश रहता है यही कि रीजनिंग और मैथ, या इस सारे जो रीजनिंग और मैथ का यहाँ पे आपका स्कोर काउंट किया जाएगा, इंग्लिश का तो नहीं किया जाएगा, तो मैं सोचता हूँ रीजनिंग मैथ में मेरा मतलब 100% अटेम्प्ट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि लास्ट 1-2 मिनट बचा के रखता हूँ, जितना क्वेश्चन बनता है उतना बना लेता हूँ, उसके बाद मैं सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देता हूँ। ठीक है, बस ऐसे ही तुक्का तो तुक्का ही समझिए, बिकॉज इसमें निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो क्या कोई मतलब दिक्कत नहीं होता है। तो ये मेरा आज का मॉक रहा, और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगा, इसी स्ट्रेटजी के साथ मैं मॉक लगाऊंगा। और आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।